हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से अचार की रेसिपी। क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में मोटी वाली हरी मिर्ची बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। तो आज हम बनाएंगे मोटी हरी मिर्च का मसाले वाला अचार। यह अचार जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही आप इस अचार को 1 से 2 साल तक के लिए प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस भी कंटेनर में आप अचार रखें उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसे अच्छे से आप गर्म पानी में अच्छे से कांच के या प्लास्टिक के जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से क्लीन कर लें। और अगर कांच का कंटेनर है तो आप उसे थोड़ा पानी में बॉयल कर लें और फिर उसे अच्छे से धूप लगवा के सुखा लें या उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लें 1-2 मिनट के लिए कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहे। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। अगर माइक्रोवेव सेफ कंटेनर है तभी माइक्रोवेव में रखें। और जब भी आप अचार निकालें तो हमेशा जिस भी चम्मच या कड़छी का यूज़ करें तो वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हमेशा क्लीन चीज़ों से ही अचार निकालें। तो अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अचार जो है वो 1 से 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरे चैनल पे बहुत सारी अचार की रेसिपीज़ अवेलेबल हैं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यारो, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग अचार को एंजॉय कर सकें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं डेली के टिप्स भी डाल रही हूँ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ भी आपको चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम मोटी हरी मिर्ची। इसे मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना अचार खराब हो जाएगा। साथ ही हम लेंगे 1 बड़ा कप सरसों का तेल, 4 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच अजवाइन, 4 बड़े चम्मच राई, 2 बड़े चम्मच दाना मेथी, 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च, 3 बड़े चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच अमचूर, और साथ ही हम यूज़ करेंगे 2 छोटी पिंच हींग और 1 टेबलस्पून विनेगर। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे लिया एक पैन। पैन गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे दाना मेथी, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, राई, और इन सब मसालों को हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से जो मसालों की नमी है वो नहीं रहती है। आप चाहे तो मसालों को 1-2 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं अगर आप ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहें, लेकिन आजकल धूप भी नहीं होती सर्दियों में अच्छी, और उससे डस्ट भी चली जाती है समटाइम अपने मसालों में। तो इससे ड्राई रोस्ट वाला मेथड जो है वो बहुत ही बेस्ट मेथड रहता है। तीन से चार मिनट में जब हमारे मसाले जो हैं वो थोड़े से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे अपनी सौंफ। सौंफ को मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि सौंफ को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। हल्का सा रोस्ट करने से सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, तो इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। जब मसालों का कलर हल्का चेंज होने लगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हमारे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। जब मसालों की अच्छी सी अरोमा आने लग जाए तो इसका मतलब है कि हमारे मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। और इन मसालों को मैंने कर लिया एक प्लेट में शिफ्ट और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब ये मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा दरदरा। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपनी मिर्ची तैयार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम सेम जो पैन है हमने जिसमें मसाले गर्म किए हैं उसमें हम लेंगे ये तेल जो हमने अचार बनाने के लिए लिया है, और इसे हम तब तक हल्का गर्म करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ी सी फ्लेम आने लगे। और जब इसमें फ्लेम आने लगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि अचार में हमें गर्म तेल नहीं डालना, ठंडा तेल डालना है। लेकिन हम इसे एक बार गर्म कर लेंगे जिससे तेल का कच्चापन नहीं रहे।
तो जब तक हमारा तेल ठंडा होता है और हमारी मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम मिर्चियाँ तैयार कर लेते हैं। मिर्ची को भरने के मैं आपको दो मेथड यहाँ बताऊँगी। फर्स्ट मेथड है कि इस तरह से हम इसे हल्का सा चॉप कर देंगे और इसका डंठल हटा देंगे और इस तरह से बहुत ही ध्यान से जो इसके अंदर का पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। पहले हम इस तरह से मिर्ची को कर लेते हैं। ऐसा करने से सारे बीज जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो पार्ट है वो इजीली निकल आता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन इससे ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है। और इन बीज को हमें फेंकना नहीं है, इन बीज को हम अपने मसाले में ही यूज़ करेंगे। और अब आप अंदर से देखेंगे कि मिर्ची पूरी क्लीन हो गई है अंदर, इसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है। और मसाला भरने के लिए देखिए इस तरह से पूरा स्पेस क्रिएट हो गया है, पूरा अंदर से मिर्ची खाली हो गई है। या तो आप इस तरीके से मसाला भर सकते हैं। अगर आप इसका डंठल नहीं हटाना चाहते तो मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ कि उस मेथड में हम मसाला भरना बहुत ही ईजी होता है और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। इस तरह से हम इसे काटेंगे लेकिन हमें इस तरह से काटना है कि इसके पीछे का पोर्शन नहीं काटना है, सिर्फ एक साइड से हमें इसे काटना है और इसके हमें अंदर के जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं इस तरह से। और अगर आप नहीं निकालना चाहें तो इसे आप एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि मसाले में भी हम बीज को इंक्लूड करेंगे और क्योंकि ये मोटी मिर्च है तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो बीज आप इजीली इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप अपनी मिर्ची तैयार कर सकते हैं। मैं जो है मिर्ची के डंठल हटाकर ले रही हूँ, क्योंकि डंठल अगर मिर्ची के साथ रहते हैं तो अचार आपको सिर्फ 2 से 3 महीने में ही यूज़ करना पड़ता है। और अगर डंठल हटा देते हैं तो साल को आप 1 साल से लेकर 2 साल तक के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं, तो उससे अचार की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इन दोनों तरीके से आपको मसाला भर के दिखाऊंगी और मैं मिर्चियाँ जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। ये आप देखेंगे कि कितना इजीली इस तरह से करने पे इसका जो पूरा अंदर का पोर्शन है वो पूरा निकल गया है और एक ही बारी में पूरे इसके बीज भी निकल गए हैं। सारी मिर्ची को मैंने इस तरह से क्लीन करके अच्छे से रख लिया है, तैयार कर लिया है। और ये पोर्शन जो हमने क्लीन करके निकाला है मैं इसको बताती हूँ कि इसका आपको क्या करना है। इस पोर्शन में से जो हमने डंठल निकाले हैं उन्हें हम हटा देंगे और ये जो अंदर का वाइट पोर्शन कुछ कुछ मिर्ची में से निकलता है उसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सारा पोर्शन हमें यूज़ नहीं करना है मसालों में, इसे हम हटा देंगे। और इस तरह से जो बीज बचेंगे वो हम अपना जो हमने ये मसाला बनाकर रखा है अचार का, इस अचार के मसाले में हम इस बीज को मिक्स कर देंगे। और ये मसाला जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, मसाला हमारा ठंडा हो गया है और इसे हम अपने ग्राइंडर में ले लेंगे। अब हम इस मसाले को हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का दरदरा इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे ग्राइंड किया है। मसाले को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का हल्का दरदरा सा मसाला मैंने ग्राइंड किया है और मैंने इसे ग्राइंड किया अपने सुजाता के ग्राइंडर में। और इसका रिव्यू मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका ग्राइंडर जो है वो किस तरह का है। और इस मसाले को ग्राइंड करने के लिए मुझे फ्यू सेकंड्स ही लगे, हाई मोड पे करने की कभी भी ज़रूरत नहीं रहती है, लो मोड पे ही जो सारा काम है वो हो जाता है। और ये मसाले को ग्राइंड करने में मुझे 1 से 2 सेकंड का ही टाइम लगा है इसे इस तरह से ग्राइंड करने में। हमारा मसाला जो है वो बनकर तैयार है और ऑयल को मैंने इस तरह से गर्म करके एक बार अच्छे से ठंडा कर लिया और इसे मैंने इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। और हमारी मिर्ची भी जो है वो अच्छे से रेडी है, तो अचार बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे वो सेम पैन जिसमें मैंने तेल को गर्म किया था, क्योंकि तेल निकालने के बाद भी इसके बॉटम में थोड़ा थोड़ा ऑयल है। और मसाला मैं अपना इसमें डाल रही हूँ और इस मसाले में हम अपने बाकी के मसाले भी मिला लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इसे ड्राई ही मिर्चों में भरते हैं तो मसाला जो है वो मिर्चों से बाहर आने लग जाता है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करते हैं जिससे कि ये मसाला थोड़ा मॉइस्चर वाला हो जाता है, तो इस वजह से ये मसाला फिर मिर्ची में से बाहर नहीं आता है।
इसी वजह से ही मैंने इसे अपने ऑयल वाले पैन में डाला, क्योंकि अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 छोटे चम्मच ऑयल और, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले को हम अपनी मिर्ची में भरेंगे, और जो मिर्ची हमने इस तरह से कट की है उसमें तो हम डायरेक्टली इसी तरह से ही मसाला लेंगे और भरते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने दाना मेथी, राई और सौंफ का यूज़ किया है। तो जब ये अचार पकना शुरू होता है तो दाना मेथी, राई और ये सौंफ फूलने लगते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें मसाला भरते जाइए, जितनी भी आप में मिर्चियाँ और ये मसाले थोड़े टाइम में फूल जाते हैं। और इस तरह से हम इस मिर्ची को तैयार करेंगे कि ये मसाला पूरा इसके अंदर कवर हो जाए। और जो इस तरह की मिर्ची हमने ली थी उसमें भी हम मसाला भरेंगे, लेकिन इसमें मसाला जो है वो चम्मच की हेल्प से नहीं भरा जाता है, इसमें मसाला हमें हाथ से ही भरना पड़ेगा। तो अगर आपकी मिर्ची तीखी हो तो आप उसमें अपने हाथों पे कुछ पॉलीथीन चढ़ा लें या कुछ भी आप ग्लव्स का यूज़ करके करें, और इस तरह से दबाते हुए हमें इसमें मसाला भरना पड़ेगा। आप चाहें तो नाइफ या किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसे अंदर तक मसाले को प्रेस करने के लिए। और इस तरह से आराम से दबाते हुए धीरे धीरे मसाले को आप अच्छे से मिर्चों के अंदर भरिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला होगा मिर्चें उतनी ही टेस्टी बनेंगी। इस तरह से जो मेरी ये मिर्च है इसमें भी मैंने मसाला भर के रेडी कर लिया है, और इस तरह से मैं अपनी जो बाकी की मिर्चें हैं उनमें मसाला भर के रेडी कर लेती हूँ। सारी मिर्ची में हमने इस तरह से मसाले को अच्छे से स्टोर करके भर लिया है, और थोड़ा सा मसाला जो है वो मेरे पास यहाँ बच गया है, तो उसे हम इन मिर्चियों के ऊपर लपेट देंगे, लेकिन इसे हम डायरेक्टली अपने जो पिकल जार है उसी में ही रखेंगे और मसाला ऊपर से डालते जाएंगे। तो किस तरह से आप इसे पिकल जार में भरेंगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है पिकल जार, अगर आपके पास इस तरह का पिकल जार नहीं हो तो आप इस तरह का जो नॉर्मल जार हम यूज़ करते हैं अचार रखने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पिकल जार जो है वो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और इसमें बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक ये पोर्शन अलग से दिया हुआ है, जो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ एडजस्टेबल है। जब हम अचार को भरेंगे तो इसे नीचे रखेंगे, और बाद में जब हमें अचार निकालना हो तो हम इसे इस तरह से रख देंगे, ताकि जो अचार का एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब नीचे चला जाएगा और ओनली मिर्ची ही हमें ऊपर मिलेगी। और किसी भी तरह के अचार को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन मिर्चियों को हम इस कंटेनर में किस तरह से स्टोर करेंगे। हम लेंगे एक एक मिर्ची, और इसे हमने जो तेल गरम करके ठंडा किया है उसमें इस तरह से डालते जाएंगे, और इस तरह से एक एक मिर्ची को हम इस कंटेनर में भरते जाएंगे। ऐसा करने से ऑयल जो है वो हर मिर्ची के ऊपर अच्छे से आ जाएगा, तो हमारी मिर्चियाँ जो है वो ख़राब नहीं होंगी। इस तरह से मिर्ची की एक लेयर मैंने इसमें पूरी अच्छे से भर दी है, और अब हम इसमें जो हमारा मसाला बच गया है इसे हम अच्छे से ऊपर से छिड़क देंगे। इसे अच्छे से आप फैला दें ताकि ये मसाला नीचे तक चला जाए, और ये मसाला जो है हमारी मिर्चियों को अच्छे से कवर कर लेगा। मिर्ची के अंदर तो मसाला है ही, बाहर भी अच्छे से आ जाएगा। और अब मैं अपनी जो दूसरी लेयर है मिर्ची की उसे भी भर दूंगी। इस तरह से मैंने अपनी सारी मिर्चियाँ जो हैं वो कंटेनर में भर दी हैं, और इसमें हम जो ये अपना ऑयल है इसे भी डाल देंगे। अगर आप अचार को 2 से 3 महीने तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल नहीं डालिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अचार हमारा जो है वो 1 से 2 साल तक प्रिजर्व रहे, बिल्कुल अच्छे से रहे, ख़राब नहीं हो, तो आप अचार में इतना तेल डालिए कि जिससे ये जो मिर्ची है वो तेल से अच्छे से कवर हो जाए। अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, और इस पर अब हम डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून जो मैंने सिरका लिया था, इससे जो है वो अचार बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सिरका डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसकी लिड को ऑन कर दिया है, लगा दिया है इस पर ढक्कन, और इस अचार को मैं 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखूँगी। अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है तो आप इसे नॉर्मली अपने काउंटर शेल्फ पे ही रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, तो भी अचार बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, और 3 से 4 दिन के बाद आप इस अचार को अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि अभी मसाले जो हैं वो थोड़े कच्चे हैं, और अचार जो है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मसाला मैंने टेस्ट किया, और बिलीव मी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ इस अचार को खाने के लिए। अगर आपको मेरी मिर्ची के अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें,
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय। नई रेसिपी और किचन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले जानकारी के लिए घंटी को दबाएं।